हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं सीबी वधवा फिर आपके साथ। किसी ने खूब ही कहा है कि आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें, क्योंकि एक सुनार का कचरा होता है वो भी बादाम से क्या होता है, महंगा होता है। किसी ने खूब कहा है कि अच्छे लोगों की संगत में रहें, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। इसलिए हमेशा आप अच्छे फ्रेंडशिप सर्कल को अपनाएं, ताकि हर समय आपको प्रोग्रेस करने का मौका मिले। यस, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैव। हैव का यूज इन मेन वर्ब, मेन वर्ब में इसका यूज कैसे होता है। मोस्टली हम इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं, हैड और हैव। स्टूडेंट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, या मैं एक पेन रखता हूँ। हैज हैव की हिंदी रखता है, पास है, रखता है या पास है। लेकिन मेन वर्ब के यूज में जब इसको पढ़ते हैं तो आपको टेंस के माध्यम से बताएंगे, परमेश्वर का हर चीज पर नियंत्रण है, परमेश्वर का हर चीज पर नियंत्रण है। गॉड हैज कंट्रोल ओवर एवरी थिंग। यहां पर क्या है, परमेश्वर का हर चीज पर नियंत्रण है। गॉड हैज कंट्रोल ओवर एवरी थिंग, यानी भगवान का हर चीज पर क्या है, नियंत्रण है। यहां पर है जमानी क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, नॉट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। नेक्स्ट है, मेरी 4:15 क्या है, मीटिंग है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई हैव ए मीटिंग एट 4:15, मेरी 4:15 पर मीटिंग है। आई हैव ए मीटिंग एट 4:15, मेरी 4:15 पर मीटिंग है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हर एक को जीने का क्या है, हक है। तो हम क्या लिखेंगे, एवरीवन हैज ए राइट। हर एक को क्या है, जीने का अधिकार है। एवरीवन हैज ए राइट टू लाइफ। हर किसी को क्या है, जीने का अधिकार है। मुझे अभी एक जरूरी काम है। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क नाउ। मुझे अभी एक जरूरी काम है, अभी के लिए, नाउ आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क नाउ, मुझे अभी एक काम है। उसकी अमीर होने की तीव्र इच्छा है। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैड ए डायर विश। उसकी एक क्या है, तीव्र इच्छा। He had a dire, लिख सकते हैं या यहां पर वर्ड आप चाहो तो स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। उसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग विश है, क्या चीज करने की, टू गेट रिच, क्या होने की, अमीर होने की। यहां पर विश की जगह आप वर्ड डिजायर भी यूज कर सकते हैं। He had a strong desire to get rich। उसकी अमीर होने की इच्छा है। He had a strong desire to get rich। उसकी अमीर बनने की इच्छा है या अमीर होने की इच्छा है। उसके चेहरे पर हंसी थी। तो हम क्या लिखेंगे, He had a smile on his face। उसके चेहरे पर हंसी थी। He had a smile on his face। उसके चेहरे पर हंसी थी। नंबर 7, हमें कल छुट्टी थी। वी हैड ए हॉलीडे
वी हैड ए हॉलीडे यस्टरडे, हमें कल क्या थी, छुट्टी थी, यानी थी वाले वर्ड में कौन सी वर्ब यूज होगी, हैड वर्ब का यूज होगा और है के अंदर हैड या हैव का, यहाँ पर उसकी अमीर होने की इतनी बड़ी इच्छा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही हैज, उसके चेहरे पर हंसी थी, तो थी वर्ड के लिए क्या लगाएंगे, है। कार के चार पहिए होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए कार हैज फोर व्हील्स, एक कार के कितने पहिए होते हैं, चार, यानी कि एक कार चार पहिए रखती है, ए कार हैज फोर व्हील्स। नेक्स्ट है, आज हमारे स्कूल की छुट्टी है, 9 नंबर पे आज हमारे स्कूल की छुट्टी है, अवर स्कूल, हमारे स्कूल की क्या है, आज है? आज हमारे स्कूल की छुट्टी है, अवर स्कूल हैज ए हॉलीडे टुडे, यहाँ पर आज को लास्ट में लिखा जाएगा, आज हमारे स्कूल की छुट्टी है, अवर स्कूल हैज ए हॉलीडे टुडे, अवर स्कूल हैज ए हॉलीडे टुडे। मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, 10 नंबर पे मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव ए स्लाइट पेन, आई हैव ए स्लाइट पेन इन माई स्टोमक, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, आई हैव ए स्लाइट पेन इन माई स्टोमक, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है। 11 नंबर पे है, हमें रविवार को छुट्टी रहती है, हमें रविवार को छुट्टी रहती है, वी हैव ए हॉलीडे ऑन संडे, हमें रविवार को छुट्टी रहती है, वी हैव ए हॉलीडे ऑन संडे, हमें रविवार को छुट्टी रहती है। नेक्स्ट 3929, ये 12 नंबर पे है, 3929 इस संख्या में चार अंक है, तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर, ये संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर 3932, ये संख्या को क्या लिखेंगे, द नंबर 3932 हैज फोर डिजिट्स। इस तरह से 12 सेंटेंस हमारे हुए, इनके अंदर हमने क्या देखा, परमेश्वर का हर चीज पर नियंत्रण है, गॉड हैज कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, मेरी 4:15 बजे मीटिंग है, आई हैव ए मीटिंग एट 4:15, हर एक को जीने का हक है, एवरीवन हैज ए राइट टू लाइफ, मुझे अभी एक जरूरी काम है, आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क नाउ, उसकी अमीर होने की तीव्र इच्छा है, ही हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट रिच, उसके चेहरे पर हंसी थी, ही हैड ए स्माइल ऑन हिज फेस, हमें कल छुट्टी थी, वी हैड ए हॉलीडे यस्टरडे, कार के चार पहिए होते हैं, ए कार हैड फोर व्हील्स, आज हमारे स्कूल की छुट्टी है, अवर स्कूल हैज ए हॉलीडे टुडे, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, आई हैव ए स्लाइट पेन इन माई स्टोमक, हमें रविवार को छुट्टी रहती है, वी हैव ए हॉलीडे ऑन संडे। 12 नंबर पे 3923 संख्या में चार अंक है, द नंबर 3932 हैज फोर डिजिट। इस तरह से 12 सेंटेंस है जिनका हमने यूज बताया कि आपको हैव का मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज किया है, कहीं एक्टिव वर्ब नहीं है कि हैज हैव के बाद आपको फॉर्म दी जाए, यहाँ पर हैज हैव खुद क्या है, एक वर्ब की फॉर्म है, हैज हैव जहाँ भी आप देख रहे हैं खुद देख क्या है, वर्ब है, इनके साथ कोई हमने थर्ड फॉर्म नहीं दी है, जिस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, वह मेरा पेन चुरा चुका है, ही हैज स्टोलन माई पेन, वहाँ हैज हैव के साथ स्टोलन दी होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई वर्ब इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये खुद क्या है, हैज हैव खुद क्या है, मेन वर्ब है। तो इस तरह से इस सेंटेंस के माध्यम से आप सीखते हैं कि कैसे, हाउ कैन यू प्रिपेयर योर सेंटेंस करेक्टली, किस तरह से आप सही ढंग से अपना सेंटेंस बना सकते हैं और कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहता है, हैज हैव का यूज किसके अंदर
मेन वर्ब के रूप में। इसी तरह से कंटिन्यू इसी टाइप की क्लास आपको देते रहेंगे ताकि आप मैक्सिमम सी बी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर सीखते रहें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, और हम कंटिन्यू आपको इस तरह की वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।